प्रणाम। इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देवपूर्णा, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आँखें एक अनमोल रत्न जो सृष्टि ने, जो भगवान ने हमें दिया। सोचिए, यदि ये आँखें ना हो तो कैसे हम इस रंगीन दुनिया को देख सकेंगे। हम हर एक एक्सपीरियंस करते हैं, सुबह से शाम तक जितने भी हम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं उसमें मुख्य रूप से भूमिका आँखों की होती है। लेकिन आज के समय हम देखते हैं बचपन से लेकर के बड़े होने तक जो ओल्ड एज में जो लोग हैं उनको भी कई आँखों की समस्याओं से पीड़ित हैं। और उसका कारण है अलग अलग टाइप से डिवाइस यूज़ करना। छोटा बच्चा ही होता है, हाथ में फ़ोन आ जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ फ़ोन का, मोबाइल का, इंटरनेट, लैपटॉप का, स्क्रीन यूज़ अधिक, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय पे आँखों को स्वस्थ रखना, मेंटेन रखना, आई साइट को मेंटेन रखना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। और इस पे ध्यान भी हमारा तब जाता है जब बहुत ज़्यादा समस्याएं आगे बढ़ जाती हैं। हम कभी भी इस विषय पे विचार ही नहीं करते कि आँखें कभी अस्वस्थ हो सकती हैं, कभी कोई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम इसका बिल्कुल केयर ही नहीं करते, जो कि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि आँखों को कुछ हो जाए तो हमारे लिए पूरी दुनिया अंधकार जैसी हो जाए, एक डार्कनेस है। उसके अलावा जीवन में कुछ भी नहीं है यदि आँखें हमारे साथ नहीं हैं। हम किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, कोई टास्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, इवन अपने जो डेली रूटीन के टास्क हैं वो भी हम कर नहीं पाएंगे। तो आँखों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ये आँखें प्रकृति द्वारा प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दी हुई, गॉड गिफ्टेड एक अनमोल उपहार है, जिसको मेंटेन करना, जिसको स्वस्थ बनाए रखना हमारा एक टाइप से हमारी ड्यूटी है। आज मनुष्य प्रकृति से बहुत दूर होता चला जा रहा है। आँखों को भी एक हरियाली, एक ग्रीनरी, एक नेचुरल एनवायरनमेंट की आवश्यकता होती है। तो हम बहुत समय प्रकृति के साथ विहार करें। लॉन्ग टाइम तक जो हम कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं फ़ोन का, मोबाइल का, गेम्स खेल रहे होते हैं, तो उससे पॉज लें थोड़ा और प्रकृति से जुड़ें। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हमारी जो हमारा पंच भौतिक शरीर है, इसके जो घटक हैं, इसके जो एलिमेंट्स हैं, वो भी यही हैं, एयर, वाटर, फायर, ईथर, ईथर मीन्स स्काई एंड एयर, मृदा तत्व, मृदा मीन्स मिट्टी, इसको हम बोलेंगे अर्थ एलिमेंट। तो इन एलिमेंट्स के साथ हम जुड़े रहते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी डिफिशियंसी हो जाती है किसी भी तत्व की, तो उसको हम वहाँ से पूर्ण कर सकते हैं, उसको फुलफिल कर सकते हैं, उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो आई, जो आई के लिए भी बात अगर की जाए तो आईज़ को भी हम ऐसे दृश्यों को दिखाएं, प्राकृतिक दृश्यों को, शांत प्रशांत दृश्यों को, तो हम प्रकृति के साथ अपना समय स्पेंड करें। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे हम अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम छोटे बच्चे की बात करें तो माता पिता कई बार ऐसे करते हैं, बच्चा रो रहा है तो फ़ोन उठा के दे दिया, तो ये तो बहुत बड़ी एक ऑब्स्टिकल है, एक बहुत बड़ी बाधा है जिससे बच्चे की आँखों में समस्याएं आ सकती हैं। तो हम बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, उन्हें हम खेलने के लिए प्राकृतिक खिलौने दें, उनको प्रकृति के साथ जोड़ें। इसके अलावा हम बात करें कि बच्चों को पढ़ाई के लिए या किसी कॉरपोरेट कंपनी में जॉब करने वालों को, या जिनका लाइफस्टाइल इस तरीके का होता है कि सिटिंग जॉब है, तो इनके लिए भी आँखों का, हम आँखों का ध्यान रखें। जैसे हम लॉन्ग टाइम तक यदि सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं या स्क्रीन को यूज़ कर रहे हैं, तो एक उसके लिए छोटी सी, एक छोटा सा मेथड मैं आपको बताऊंगी जिससे आपको लाभ बहुत मिलेगा, आँखों को रिलैक्स मिलेगा। तो हम क्या करें कि जिस समय हम कंटिन्यूसली देख रहे हैं स्क्रीन को, तो कुछ टाइम के लिए आधे घंटे के बाद एक बार आँख बंद करें, एक मिनट के लिए, फिर पुनः आँखों को खोलें और दोनों हाथों को रब करें। हमारे पास एनर्जी होती है, इस एनर्जी को ऐसे रब करके यदि हम ऐसे आँखों पर लगाते हैं, एक कप की तरह बना करके, और अंदर ही आँखों को खोलते हैं इस तरह से, तो इससे हमारी आँखें रिलैक्स होती हैं। एक बॉडी की एनर्जी ही होती है, हमारी अपनी एनर्जी हम अपनी आँखों को दे रहे होते हैं, क्योंकि एक डिवाइस हमारी आँखों की एनर्जी को यूज़ कर रही होती है, कंज्यूम कर रही होती है, तो इससे हम अपनी आँखों की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। देखने में तो ये छोटी छोटी टेक्निक्स हैं, छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव हैं एक स्वस्थ आँखों के लिए। तो आँखों में डीजनरेशन या आँखों में क्लैरिटी नहीं आ पा रही है, या दूर का नहीं दिख रहा है, मायोपिया की प्रॉब्लम है, पास का नहीं दिख रहा है, इसके अलावा या आँखों में खुजली हो रही है, बहुत समय तक हम कहीं देख नहीं पा रहे हैं, विज़न में समस्याएं आ रही हैं, तो इस तरीके की बहुत सारी अनगिनत समस्याएं हमें हो जाती हैं सिर्फ इसलिए कि हम प्रॉपर रूटीन, एक डेली रेजिमेंट जो हमें प्रिस्क्राइब किया हुआ है ऋषियों के द्वारा या पहले ग्रंथों में, उसके अनुसार हम चलते नहीं।
और उसका रीज़न भी है, वो हमें पता नहीं चल पाता आज के समय पे। तो हम ये देखेंगे छोटे छोटे योग के अभ्यास से, छोटे छोटे एक्सरसाइज हमें कैसे आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करेंगे। तो जैसे एक सूक्ष्म व्यायाम की बात करते हैं तो इसमें हमें आँखों के मूवमेंट करने हैं, क्योंकि हम हमेशा किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं या मोबाइल पर हम गेम खेल रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे होते हैं, आज यूथ बहुत बड़ी संख्या में व्हाट्सएप का, गेम का, पबजी, और जो है बड़े होने पर भी यदि हम व्यवसाय में, प्रोफेशन में भी आ गए तो वहाँ लंबे समय तक ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं होगा जहाँ कंप्यूटर का या लैपटॉप का यूज़ ना हो। तो एक लंबे समय तक जब हम स्क्रीन को देख रहे होते हैं तो हम उसका दुष्प्रभाव आँखों पर पड़ता है। उसके लिए जैसे मैंने ही बताया, आँखों को बंद करना, हाथों को रब करके इस तरीके से करना। तो इसके अलावा हम रोटेशन करते हैं आँखों का, रोटेशन या मूवमेंट, तो उसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्थान विशेष की या पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर टाइम की कोई अपेक्षा नहीं है, हम किसी भी समय पर इसको कर सकते हैं। तो पहले हम राइट साइड देखेंगे, पूरी आँखों के जो प्यूपिल हैं इनको हम राइट साइड रोटेट करेंगे इस तरह से, और मन में काउंट करेंगे, फाइव का काउंट करके, 1 2 3 4 5, फिर प्यूपिल को बीच में लेकर आएंगे, फिर लेफ्ट साइड देखेंगे, जितना देख सकते हैं मोमेंट रोटेट करेंगे पूरा, होल्ड, 1 2 3 4 5, सेंटर में। तो हमने पहला एक्सरसाइज किया जिसमें हमने राइट एंड लेफ्ट देखा, प्यूपिल को हमने मूवमेंट कराया लेफ्ट एंड राइट। तो इसको हम 10 राउंड में कर सकते हैं, स्टार्ट करें 3 से, उसको धीरे धीरे बढ़ाएं 5 7 एंड 10, उसके बाद अप डाउन वाला मूवमेंट करेंगे। तो अपसाइड हम इसको अपने प्यूपिल को अपसाइड लेकर जाएंगे जितना हो सकता है, फिर बीच में लेकर आएंगे सेंटर में, इसी तरह से डाउन, बीच में लेकर आएंगे। तो इस तरह से ये मूवमेंट हुआ, लेफ्ट राइट अप डाउन। इसके बाद हम रोटेशन करेंगे, तो रोटेशन के लिए 5 5 राउंड्स से स्टार्ट करें, पूरा ऊपर, पूरा साइड में, पूरा नीचे, फिर पूरा साइड में, इस तरह से 5 राउंड दोनों दिशाओं में। इससे भी एक दिशा में मैंने किया, अब इसी को मैं दूसरी दिशा में करूंगी, काउंटर पोज, काउंटर मूवमेंट रहेगा इसका। तो इस तरह से इसको 3 से 5 बार 10 बार ऐसे करके सेट बनाएंगे, और सेट करके जब हम इसको करेंगे तो इससे हमारा पेरिफेरल विज़न और हमारी आँखों के विज़न में काफ़ी इससे लाभ मिलता है हमें। तो सूक्ष्म व्यायाम हमने देखा, इसके अलावा और अन्य छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे हम आँखों को स्वस्थ रखते हैं। जैसे सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइफस्टाइल, हमारे अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में पूरी दिनचर्या बताई गई है। उस दिनचर्या में आँखों के लिए स्पेशली एक अंजन नाम की प्रक्रिया होती है, उस अंजन प्रक्रिया को वहाँ पर रोज़ बताया गया है कि रोज़ हम जब सुबह उठते हैं, उषापान करते हैं, मतलब वार्म वाटर इनटेक करते हैं, फिर शौच आदि से निवृत्त होकर के हम अंजन करते हैं, तो उसमें एक विशेष प्रकार का आँखों में काजल की तरह लगाया जाता है। तो ये एक अंजन होता है जो रेगुलर होता है, और एक अंजन जो होता है वो 7 डेज में एक बार होता है। मतलब इतना महत्व दिया गया है आँखों को, लेकिन आज के समय पे क्योंकि उसकी जानकारी ना हो पाने के कारण या हमारे शिक्षा में उसका प्रवेश ना होने के कारण हमें उसका ज्ञान नहीं होता है। तो हम सुबह गुलाब जल की कुछ बूंदें आँखों में डालें, आँखों के सुबह छींटे मारें, ये तो सामान्य सी बातें हैं। जिस समय हम अपना फेस वॉश कर रहे हैं उस टाइम पे हम आँखों में भी छींटे मारें। इसी श्रेणी में, इसी क्रम में अब हम बात करेंगे प्राणायाम के विषय में, कि कैसे प्राणायाम के द्वारा हम अपनी आँखों को स्वस्थ रखेंगे। तो प्राणायाम जो कि पार्ट है योग का, और प्राणायाम का अर्थ ही होता है कि प्राणों के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। ये एक होलिस्टिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम आँखें ही नहीं शरीर के अन्य ऑर्गनों को भी स्वस्थ रखते हैं। हर एक ऑर्गन में ब्लड सप्लाई जो होती है उसके लिए नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स, आर्टरीज, नर्व्स, वेन्स होती हैं, और इन सब के अंदर कभी ब्लॉकेज आ सकते हैं। और वो क्यों आते हैं? गलत खान पान की वजह से, गलत रहन सहन, दिनचर्या, आहारचर्या, ऋतुचर्या, रात्रिचर्या, देर तक जागना, देर तक सिस्टम यूज़ करना, समय से नहीं सोना या कम सोना, जितना
आवश्यकता है उससे कम सोना, ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं और हमारे अंदर इम्प्योरिटीज़ या टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन होने लगते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल आता है प्राणायाम का। प्राणायाम में अलग अलग प्राणायाम है, जैसे भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाम ही है नाड़ी शोधन, मीन्स कि जो भी वेसल्स हैं उनको हम शोधन कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी ब्लॉकेज हैं, किसी प्रकार के अक्यूमुलेशन हैं, उनको हम रिमूव कर रहे हैं, एलिमिनेट कर रहे हैं। तो क्योंकि जो आँखें हैं, आँखों को भी ब्लड सप्लाई होती है, तो उसके लिए जो ब्लड वेसल्स हैं वो तो हार्ट से ही पास होकर जा रही है, ब्लड तो वहीं से पंप हो रहा है। तो एक ब्लड को हमको पूरा ऊपर तक लेके जाना है, एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए इसमें। इसके अलावा जो हमारे नर्व्स हैं, जैसे ऑप्टिक नर्व होती है, ओक्यूलोमोटर होती है आँखों के लिए, तो ऑप्टिक नर्व वो भी स्वस्थ रहे, तो उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा पोस्चर ठीक हो। तो हम प्राणायाम में विशेष रूप से ध्यान रखते हैं कि हमारा जो गर्दन है, नेक है, हमारी स्पाइन है, वो स्ट्रेट रहे। और इस बात को हम हमेशा भी ध्यान रखें कि जब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं, हम अपने प्रोफेशन में सिस्टम का यूज़ कर रहे हैं, तब भी हम अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। स्पाइन स्ट्रेट रहेगी, हमारी गर्दन सीधी रहेगी, तो जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, नर्व वेसल्स हैं, ये अपना अच्छे से सुचारू रूप से काम कर पाएंगे। तो आँखों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्राणायाम जो होता है वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो है ये हमारे जो ब्रेन के राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर है इसको भी बैलेंस करके रखता है। यदि हम यही गर्दन को ऐसे झुका करके करते हैं प्राणायाम इस तरीके से, या इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, किसी काम को कर रहे हैं, तो इसका बहुत गलत प्रभाव न सिर्फ आँखों पे, बल्कि जितने भी यहाँ सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आईज हैं, ईयर हैं, तो नोज़ हैं, तो हर जगह इसका गलत प्रभाव पड़ता है। तो प्राणायाम जो मैंने बताया इसके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए हम अपनी प्रकृति के अनुसार, किसी की आयुर्वेद में प्रकृति बताई गई है वात पित्त कफ प्रकृति, तो सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो हम इसमें जो राइट नोस्ट्रल होता है और एक लेफ्ट नोस्ट्रल हो रहा है, जो राइट है इसको हम बोलते हैं सूर्य नाड़ी और जो लेफ्ट है इसको हम बोलते हैं चंद्र नाड़ी। तो हम चंद्र नाड़ी से एयर को इनटेक करते हैं और हाथ जो है वो ज्ञान मुद्रा में। ये एक सामान्य प्रैक्टिस की मैंने, इसमें क्या किया कि हमने लेफ्ट नोस्ट्रल से इनटेक किया, इनहेल किया, राइट से छोड़ा। तो एक सामान्य सी, इसको हम और इसमें चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कि तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो हम इनहेल कर रहे हैं, फिर हम होल्ड करके रख रहे हैं, फिर हम एक्सहेल कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं रेचक, कुंभक और पूरक। पूरक मीन्स श्वास इनटेक करना। अभी जो मैंने अभ्यास किया इसमें मैंने एक अनुलोम विलोम किया, जिसमें हमने एक लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास लिया, राइट से छोड़ा, पुनः राइट से लिया, लेफ्ट से एक्सहेल किया। तो इस प्रक्रिया को हम काउंटिंग के साथ कि 60 टाइम्स, 100 टाइम्स स्ट्रेट होकर के बैठ करके इसको हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई प्रिकॉशन नहीं है, इसको हम लंच मील से आधे घंटे पहले और आधे घंटे बाद तक ना करें। इसके अलावा हम कभी भी चलते हुए, बैठे हुए, सोए हुए इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं, जो आँखों के लिए बहुत लाभकारी है। उसके अलावा मैंने दूसरा प्राणायाम किया, जिसको हम और एडवांस फॉर्म बोल सकते हैं, जो कि नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन मीन्स जो भी हमारे वेसल्स हैं, आईज को जो भी नर्व सप्लाई हो रही है, ब्लड सप्लाई हो रही है, वेन्स वहाँ से होकर जा रही हैं, तो इसमें आर्टरी सप्लाई हो रही हैं, तो इसमें हम श्वास लेकर के
बहुत ही ग्रेजुअल और डीप ब्रीदिंग करते हुए इनहेल करेंगे, उसको होल्ड करेंगे, जितना होल्ड कर सकते हैं उसको एक्सहेल करेंगे। एक्सहेल भी हम स्लोली करेंगे, इनटेक भी हम स्लोली करेंगे। इसका रेशो होता है, एक सामान्य रेशो है जो सामान्य व्यक्ति कर सकते हैं, 2:4:2। इसके रेशो में हम इनहेल, एक्सहेल और होल्ड करके रखें तो ये आँखों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी सिद्ध हुआ है। तो अभी प्राणायाम के अभ्यास के बाद हम कुछ योग के पोस्चर देखेंगे, आसन, कि कौन से आसन आँखों के लिए श्रेष्ठ हैं। तो योग एक प्रक्रिया है, योग पूरा जीवन है। योग ऑर्गन एक दूसरे से लिंक होते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि आंखें जो हैं पेट से भी लिंक करते हैं। यदि पेट स्वस्थ है तो आंखें भी स्वस्थ होंगी, और यदि पेट में किसी प्रकार की समस्या है, डिजीज़ है, तो उसका प्रभाव आँखों पर और अन्य अंगों पर भी पड़ेगा। तो योग जो है वो एक होलिस्टिक अप्रोच है, जिसको यदि हम रेगुलर कर रहे होते हैं तो इससे स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा होती है। और जो आतुर है, आतुर अर्थात जो किसी रोग से पीड़ित है, किसी व्याधि से पीड़ित है, तो उससे उसकी व्याधि समाप्त होती है। इस प्राणायाम के बाद में हम योगासन देखेंगे, कौन कौन से योगासन से हमारी आँखें और स्वस्थ रहें। तो योग के अभ्यास में हम पर्वतासन का, शीर्षासन का, उसके अलावा उष्ट्रासन का अभ्यास करते हैं, जो आँखों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। तो हम अभी खड़े होकर के पर्वतासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ हम साइड पार्श्व भागों से ऊपर उठाएंगे। तो इस पोजीशन में, इस स्थिति में, इस पोस्चर में पैरों के बीच में गैप अधिक ना हो, इसको जोड़ के रखें और पूरा फ्लैट ज़मीन पर रखें। इस तरह से ना रखें, ऐसे नहीं, इसको पूरा ज़मीन पर रखें और पूरा कमर सीधी। इससे हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो आँखों की तरफ होता है। इसमें हम होल्ड करके रख सकते हैं। तो इस पोजिशन में हम रह सकते हैं 5-10 मिनट, आँखों के लिए लाभकारी है। वापस, तो ये पहला पोज हमने देखा। इसके बाद हम करेंगे शीर्षासन। तो शीर्षासन का अभ्यास भी प्रारंभ में हम 3 मिनट से शुरू करेंगे। इसको हम 5-10 मिनट भी करते हैं। शीर्षासन करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठ करके हाथों का स्टैंड बनाएंगे। स्टैंड के बीच में अपने सर को इंसर्ट करेंगे ऐसे, और आराम से दोनों पैरों को लिफ्ट करेंगे। एक एक पैर भी लिफ्ट कर सकते हैं या दोनों भी। धीरे धीरे पैरों को ऊपर लेकर जाएंगे, दोनों पैर जुड़े हुए। तो इस तरह के अभ्यास से इन्वर्ट पोजीशन से ब्लड का सर्कुलेशन ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू हेड एंड नेक की तरफ होता है, और इससे आँखों को ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई प्रॉपर होती है। तो इसलिए ये आँखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे तो सभी आसनों का राजा कहा गया है, शीर्षासन को। अभी हमने शीर्षासन का अभ्यास किया। इसके बाद हम इसके विपरीत ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन, वृक्षासन या कोई भी आसन जो इससे विपरीत हो। दोनों हाथ, दोनों आर्म्स कान से टच हो उसमें, और पूरी बॉडी को ऊपर की ओर खींच के रखेंगे। ऐसे ही पुनः लंबी गहरी श्वास लेते हुए बॉडी को लिफ्ट करें। एक्सहेल सामान्य समस्थिति। ताड़ासन करने के बाद अब हम करेंगे अगला अभ्यास, जो कि है सर्वांगासन। क्योंकि सर्वांगासन से भी ब्लड का सर्कुलेशन हेड एंड नेक की तरफ होता है, तो उसमें भी हम सीधे दंडासन की पोजीशन में बैठते हैं और अपने लोअर पोर्शन को ऊपर की ओर लिफ्ट करते हैं। इसमें हम सपोर्ट के साथ कर सकते हैं, तो दोनों पैरों को लिफ्ट करेंगे और हाथों का सपोर्ट ले सकते हैं। सर्वांगासन के बाद में हलासन भी आँखों के लिए अच्छा है। यदि बहुत अधिक व्याधि नहीं है आँखों में, सामान्य रूप से आँखों को स्वस्थ रखने के लिए हलासन करें। हलासन का बहुत अच्छा फायदा है आँखों के लिए, लाभकारी है। तो ये हमने अभी शीर्षासन,
सर्वांगासन और हलासन किया। तो इन आसनों की सहायता से हम अपनी आँखों को और स्वस्थ रख सकते हैं, इन प्राणायामों के अभ्यास से, आसनों से और सूक्ष्म व्यायाम से। इसके अलावा और भी छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि आँखों में महात्रिफला घृत डालना। यदि किसी की आँखों में ज़्यादा समस्या है, क्लैरिटी की समस्या है, क्लियर नहीं दिख पा रही हैं चीज़ें, आँखों से पानी आ रहा है, तो हम रात में सोने से पहले एक एक बूंद महात्रिफला घृत, जो कि मार्केट में उपलब्ध होता है, उस एक एक बूंद महात्रिफला घृत को आँखों में डालते हैं और फिर अंधेरे कमरे में आधे घंटे आँखों को खोल करके रखते हैं। तो उससे हमारे आँखों का विज़न और क्लियर होता है और आँखों के संबंधी जो भी समस्याएं हैं वो ठीक होती हैं। तो इस तरह रात में सोने से पहले यदि हम एक बूंद महात्रिफला घृत का प्रयोग, गुलाब जल का प्रयोग करें, तो ये आँखों के स्वास्थ्य को, आँखों की शक्ति को और बढ़ाता है। और जब हम सुबह उठते हैं तो उठने के बाद भी कुछ प्रक्रियाएं हैं, जैसे आँखों पर छींटे मारना, मुँह में पानी भरने के बाद जितना पानी हम भर सकते हैं उतना पानी भरने के बाद आँखों में छींटे लगाना पानी के। इसके अलावा जलनेति का एक पॉट आता है, उस जलनेति के पॉट से हम एक नोस्ट्रल में पानी को डालते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। ये एक जलनेति की प्रक्रिया है जो कि बहुत ज़्यादा लाभकारी है, जो ऋषियों ने हठ योग के लिए भी दर्शाया है कि इसके प्रयोग से तो हठ योगी जो होते हैं पहले अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और फिर बाद में हठ योग के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो नेति जो आँखों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक और प्रक्रिया जो कि एक्यूप्रेशर की है, एक्यूप्रेशर बहुत महत्वपूर्ण है आँखों के लिए। यदि कोई व्याधि से पीड़ित है तो उसमें हमको यहाँ पॉइंट होते हैं, ये एक तर्जनी और मध्यमा, इन दोनों फिंगर्स के बीच में यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इसको हम प्रेस करें, और प्रेस करके होल्ड नहीं करना होता। अभी ऐसी प्रैक्टिस देखी जाती है, एक्यूप्रेशर का पॉइंट बताया तो दर्द करने तक बस प्रेस किए हुए होते हैं, तो इससे जो हमारे टिश्यूज़ हैं वो रप्चर हो सकते हैं। तो उसको हम एक बार प्रेस करते हैं फिर छोड़ देते हैं, प्रेस करना छोड़ देना। इस तरीके से हम इसको 60 टाइम तक भी कर सकते हैं, आराम आराम से दोनों हाथों में। तो ये पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जहाँ पे एक्सट्रीम में दर्द होता है, जैसे कोई सुई चुभ हो रहा है। तो इस तरह से ये आँखों का पॉइंट है। इसके अलावा एक जापानीज थेरेपी है, इसमें चैनल्स माने जाते हैं एनर्जी के, वहाँ पे उन्होंने आइस के पॉइंट को यहाँ पे दिया है। इसके लिए बहुत बारीक, बहुत नुकीली एक जिमी आती है, उस जिमी के थ्रू हम यहाँ पे प्रेस करते हैं पॉइंट्स आँखों के। तो यहाँ पे एक और दूसरी आँख, जब भी इस थेरेपी में जो भी अपर पोर्शन वाले जो भी पॉइंट्स हैं वो हाथों में रहते हैं, लोअर पोर्शन के पॉइंट्स पैर में होते हैं। तो चूंकि आँख जो है एक हमारा हेड एंड नेक का पोर्शन है, तो ये इसके पॉइंट हमें यहाँ मिलेंगे। तो इस तरह आयुर्वेद की और योग, प्राणायाम इनके और एक्यूप्रेशर के, इनके ट्रीटमेंट के द्वारा हम अपनी आँखों की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, इस दुनिया को और रंगीन बना सकते हैं, और आँखों के अन्य अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। तो इसी क्रम में अब हम मेडिटेशन की बात करेंगे। तो ध्यान एक प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन को संतुलित करते हैं, वो तो है, एक आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी वाली बात है, लेकिन इसके अलावा अगर हम थेरेपेटिक मेडिटेशन की बात करें तो आँखों के स्वास्थ्य के लिए, आँखों की रक्षा के लिए मेडिटेशन एक बहुत अभिन्न अंग है। आँखें, एक चंचल चित्त में आँखें और एक सामान्य एकाग्र चित्त में आँखें। तो जब हमारा चित्त एकाग्र होता है, मन एकाग्र होता है, तो उसका सीधा प्रभाव आँखों पर पड़ता है। यदि आँखों में किसी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं तो उसमें मेडिटेशन का बहुत अधिक महत्व है। इसमें कारण सर्वार्थता भी हो सकता है, सर्वार्थता मतलब सर्वार्थता का अर्थ होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन। जब हमारा मन विक्षिप्त अवस्था में होता है, इधर उधर भटक रहा होता है, उस समय पर उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव आँखों पर पड़ता है। तो 2 से 3 मिनट का मेडिटेशन रोज़ रात में यदि सोने से पहले किया जाए तो इसका आँखों पर अच्छा प्रभाव होगा। इसमें हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमारा चित्त शांत है, हमारा मन शांत है, हमारी आँखें स्वस्थ हो रही हैं और हमारे आँखों की रोशनी बढ़ रही है। तो इस तरह हम गाइड करते हुए ध्यान मुद्रा में हाथों को रखते हुए ईश्वर से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि मेरी आँखें स्वस्थ हो रही हैं। लंबी गहरी श्वास, डीप एंड ग्रेजुअल इनहेल, एक्सहेल।
इनहेल एक्सहेल, और साथ में हम इंस्ट्रक्शन देते हैं अपनी बॉडी को, अपनी आईज को, ध्यान केंद्रित करते हैं आँखों पर कि हमारे आँखों की रोशनी बढ़ रही है, संतुलित हो रही है, आँखें हमारी स्वस्थ हो रही हैं, किसी प्रकार की व्याधियों से दूर, स्ट्रेन से दूर, किसी प्रकार का तनाव नहीं है आँखों में, किसी प्रकार का खिंचाव नहीं है, रिलैक्स हो रही हैं। फिर पुनः हम दोनों हाथों को आपस में रब करते हैं और ऐसे कप बना करके उसके अंदर आँखों को खोलते हैं और बंद करते हैं। और फिर पृथ्वी की तरफ देखते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलते हैं। तो ये गाइडेड मेडिटेशन, थेरेपेटिक मेडिटेशन बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है आँखों के स्वास्थ्य के लिए, आँखों की रोशनी के लिए। थेरेपेटिक मेडिटेशन के बाद कुछ औषधियों के बारे में बात करेंगे जो आँखों के लिए अच्छी हैं, पथ्य और अपथ्य आहार की बात करेंगे कि हम क्या खा करके अपनी आँखों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है विटामिन ए, रेटिनॉल, जो हमें जो येलो कलर के सब्जियां हैं, येलो कलर के फल हैं, उनसे प्राप्त होता है, जैसे गाजर। गाजर में विटामिन ए की मात्रा बहुत अच्छी होती है, तो गाजर को हम इनटेक करें, डाइट में बढ़ाएं, हरी सब्जियां, पालक, गाजर, टमाटर, इनके जूस हम पी सकते हैं, जूस के रूप में इसकी सब्जियां, बॉयल वेजिटेबल के रूप में हम इनको खा सकते हैं। तो अधिक से अधिक विटामिन ए का इनटेक करें, ये आँखों के लिए अच्छा है। जब बात आँखों की आती है तो हमारी रूटीन से लेकर के, हमारे छोटे छोटे अभ्यासों से लेकर के, हमारी डाइट से लेकर के, हमारा आहार विहार, ये इन सब चीज़ों का हमारे प्रत्येक अंगों पर प्रभाव पड़ता है। तो जैसे हमने अभी सारी बातें की, उसको अब समराइज़ करते हुए हम बात करेंगे कि हम प्रकृति से अधिक जुड़े रहें, प्राकृतिक स्थानों पर समय अपना स्पेंड करें, पेड़ों के साथ में, नदियों के साथ में, झरनों के साथ में, अच्छे दृश्यों को दिखाएं ताकि आँखें और रिलैक्स फील करें। हमारा उठना, समय से हम उठें, समय से सोएं, सोने से पहले जैसे मैंने बताया 2-3 मिनट का गाइडेड मेडिटेशन, जिससे हमारा मन रिलैक्स होता है तो आँखें भी रिलैक्स करेंगी, हम एक अच्छी साउंड स्लीप आएगी। उठने के बाद में हम जल नेति, सूत्र नेति, आई वॉश, आई वॉश एक टर्म है जिसमें, जो एक आयुर्वेद का एक टर्म है आई वॉश, उसमें हम त्रिफला होता है, त्रिफला को भिगो करके रात में रख देते हैं और उसके पानी से आई जो छींटे मारते हैं तो हम त्रिफला के पानी से छींटे मारें, जो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आँखों की रोशनी के लिए। और इस उपचार को करके कई लोगों ने अपनी आँखों का चश्मा तक निकाल लिया है। तो ये त्रिफला से आई वॉश करना, त्रिफला चूर्ण का इंटेक करना यदि पेट में किसी प्रकार की व्याधि है, क्योंकि हमने जैसे देखा कि पेट से संबंधित रोगों के कारण भी आँखों पर प्रभाव आता है। तो हमारा पेट स्वस्थ रहे तो हम वीक में 3 बार त्रिफला का सेवन करें, कच्चे आंवले का जूस हम पी सकते हैं, गाजर का जूस, गाजर और आंवले का जूस मिला करके हम पी सकते हैं। उसके बाद कुछ प्राणायाम का अभ्यास हमने किया, एक लंबे समय तक भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास आँखों के लिए अत्यंत लाभकारी होता है। इसके अलावा हमने योग अभ्यास देखा, योग का अभ्यास जैसे सर्वांगासन, शीर्षासन, शीर्षासन को सभी योग में सभी आसनों का राजा कहा गया है। तो इसमें भी ब्लड का सर्कुलेशन क्योंकि इन्वर्स होता है तो आँखों को अधिक से अधिक ब्लड सप्लाई होती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है। तो इस तरह से हम इन सभी चीज़ों को एक इंटीग्रेटेड रूप में, आयुर्वेद, डाइट, हमारा रूटीन, योग, प्राणायाम, इन सब के अभ्यास से हम अपनी आँखों को और स्वस्थ बना सकते हैं। छोटे छोटे अभ्यासों से, अपने आई रोटेशन, सूक्ष्म व्यायाम, इससे हमारी आँखें लंबे समय तक स्वस्थ रहती हैं। और ये जो रंगीन दुनिया है जिसको हम देख पाते हैं इन आँखों के कारण से, इन आँखों को हम अधिक से अधिक ध्यान रख करके इसे और अच्छा और ड्यूरेबल और स्वस्थ बना सकते हैं। तो इन अभ्यासों को जो हमने अभी देखा, इन एक्टिविटीज़ को करते हुए, जैसे योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, लाइफस्टाइल, प्रकृति के साथ जुड़ाव और एक्यूप्रेशर और डाइट,
इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए हम अपनी आँखों को और स्वस्थ रख सकते हैं। और किसी ही प्रकार की यदि कोई आँखों संबंधी समस्या है तो इनके ही द्वारा हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो हम मिलते हैं फिर किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद इंडिया टीवी से जुड़े रहने के लिए। ओम।